नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं BHU स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। BHU स्टूडेंट लाइफ आपको एजुकेशनल ब्लॉग दिखाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे। भारत के सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आती है, आज हम उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊँगा कि इसके बगल में गुरटू हॉस्टल है। गुरटू हॉस्टल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के छात्रों को दिया जाता है, जिसमें MCOM, BCOM और मैनेजमेंट के छात्र रहते हैं। बगल में हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन है जो कि एग्रीकल्चर का हॉस्टल है, और जहाँ कि हम देख सकते हैं सामने काशी विश्वनाथ टेम्पल है। और हम आज पूरा ये हॉस्टल देखने वाले हैं और बताएंगे कि नहीं, इस हॉस्टल में क्या क्या जानकारी ऐसी है जो छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करती है, उनको यहाँ पर बुलाती है और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामने देख सकते हैं ये रोड है जिसको हॉस्टल रोड के नाम से जाना जाता है। आप हमारे बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है, कट हम बिल्कुल नहीं करते हैं। सामने कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल प्लान तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमने उस बोर्ड से वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, अभी हम सामने खड़े हैं, आप देख रहे हैं ये हमारा सामने हॉस्टल है, डॉक्टर भगवान दास छात्रावास फैकल्टी ऑफ लॉ। और फैकल्टी ऑफ लॉ कैसा दिखता है ये मैंने आपको दिखा दिया था, और फैकल्टी ऑफ लॉ से जुड़े एक छात्र का हमने एलुमनाई टॉक भी किया था जो कि बिहार BPSC में सेकेंड रैंक लाए हैं, 2020 बैच के टॉपर हैं। तो आज देखते हैं ये पूरा हॉस्टल और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हम ये जो गार्डन बना हुआ है, दोनों तरफ गार्डन है, और एक गार्डन को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छे अच्छे बोनसाई लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे सुबह सुबह बैठेंगे और सुबह का समय हो रहा है, मैं आपको समय दिखा दूँ तो सुबह का समय हो रहा है 10:30। 10:30 बजे हम इस हॉस्टल को ब्लॉक करने आए हैं, और देख सकते हैं इधर भी सेम ऐसे ही गार्डनिंग की गई है, अच्छी गार्डनिंग है। और हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है डॉक्टर भगवान दास छात्रावास, डॉक्टर भगवान दास छात्रावास फैकल्टी ऑफ लॉ का हॉस्टल है, और फैकल्टी ऑफ लॉ का चाणक्य हॉस्टल भी है जिसको हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और लॉ फैकल्टी कैसा दिखता है ये भी आपको दिखा दिया था। ये है, आप देख सकते हैं ये ऑफिस है, वार्डन ऑफिस है, और लगभग एक हॉस्टल में ढेर सारे वार्डन रखे जाते हैं, 2 से 3 वार्डन रखे जाते हैं। मतलब अगर 80 छात्र से ऊपर एक हॉस्टल में संख्या बढ़ती है तो एक वार्डन बढ़ा दिए जाते हैं। और हॉस्टल में अंदर घुसते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाने के लिए कुछ जगह दिया रहता है, और ये नोटिस बोर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है छात्र जीवन में, इसलिए क्योंकि आप क्लास जाते वक्त आप सब कुछ देख लेते हैं, किसको किसको कौन सा रूम अलॉट हुआ है उसको यहाँ पर चिपका दिया जाता है, और इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसको किसको अलॉट हुआ है उसका चिपकाया गया है, यहाँ पे नहीं चिपकाया गया है, और यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं। और हम जाने वाले हैं रूम नंबर 75, देखेंगे रूम नंबर 75 कैसा दिखता है। ये है, हम अभी इसी डोर से एंटर किए थे, और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा दिखता है दरवाजे पर खड़े होने के बाद ये दृश्य। अब हम अंदर चलते हैं, अगर आते हुए इस रैम से ऊपर आगे जाएं, इस वाले रैम से, तो यहाँ पे एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम में यहाँ पे अंदर किताबें उताबें रखी रहती हैं, आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में होने की वजह से सारी चीज़ें अभी अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि छात्र अभी यहाँ पे नहीं हैं, सारी चीज़ें रिन्यूएट कराई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ लाइब्रेरी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, तो स्टडी रूम से निकलते ही हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे ये न्यूज़पेपर के लिए रखा जाता है, हमेशा से ये न्यूज़पेपर लगा रहता है, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर दिया जाता है। वाटर कूलर की बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई से रखा गया है, और ये LBS लोग बोल रहे थे LBS में काम किए हैं, LBS से बहुत साफ़ सुथरा ये हॉस्टल है, आप देख सकते हैं।
लेकिन मेडल पाता है साफ सुथरे में सर्वपल्ली राधा कृष्णा हॉस्टल, ऐसा क्यों? यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है। बताएंगे तो हम लोग बुरा हो जाएंगे। बुरा क्यों हो जाएंगे? सब लोग अपनी बात बताएंगे, सबकी बात रखी जाएगी, बुरा कौन होता है? हम बुराई दिखाने के लिए आए, हम तो बात पहुंचाने के लिए आए हैं ना। यहाँ पे बेसिन दिया हुआ है, लेकिन काफी साफ सफाई से है, सारी चीजें रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे से ऑब्जर्वेशन से ज्यादा उसका सर, लेकिन मुझे ऊपर से दो बच्चे दिखे थे, ये तो चले गए। एक लोग गए क्या? काफी क्यूट। क्या बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। 12 मंथ का ही, कहां से बोल रहे हो? नाम दीप। काफी क्यूट है, मासूम। ये नहीं बोल सर, ये आपका बच्चा है हफीज। तो ये हॉस्टल है और इसमें मतलब ये डेली रूटीन है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आज ये सफाई कर रहे हैं या आप आए हैं, तो ऐसा है, ये हमारा डेली रूटीन है। और सारे स्टाफ हमारे जो हैं वो पूरे डेलीगेशन पूरे कर्तव्य निष्ठता के साथ, किसी को कुछ बोलना नहीं होता है। वो राजकुमार जी हैं, हमारे माली हैं इस हॉस्टल के। अच्छा, वो जो पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं वो हमारे माली हैं। माली हैं। एक भी पत्ता और एक भी फूल कहीं किधर इधर उधर कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। ये होरोजी हैं, इनकी ड्यूटी है, ये अपने सारे स्टाफ अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्म करते हैं। ये हमारे पटेल जी हैं। अच्छा, ये अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे बड़े, इनको हम लोग पटेल दादा हैं। अच्छा, पटेल दादा हैं। हमारे जो कर्मचारी सबसे बुजुर्ग कर्मचारी है। अच्छा, वो भी आपके साथ लगे होंगे, हर जगह दिखाए होंगे, पूरा दिखाया इन्होंने आपको, पूरा एक एक चीज विजिट कराए होंगे। बिल्कुल। और हमारे पास दो मल्टीटास्किंग कर्मचारी हैं, एमटीएस। ये कन्हैया जी हैं सर, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि रूम में आप झाड़ू लगवा देते हैं बहुत। नहीं, रूम में झाड़ू बताइए, हम क्या नहीं लग रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं कि झाड़ू लग जाता है रूम में। मैंने अभी तक इतना सुना नहीं किसी हॉस्टल में कि रूम में भी जाकर के टाइमली झाड़ू लगा दे रहे हैं। ये फीडबैक मैं खुद लेता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ कि बेटा आपके कमरे में झाड़ू लगा कि नहीं। कल ये हमारे स्टाफ अकेले थे मॉर्निंग ड्यूटी, हाँ हाँ, दो स्टाफ हमारे छुट्टी में थे। 27 कमरा है, बुजुर्ग है। हमने कहा रूम में झाड़ू लगा कि नहीं लगा, कि सर मैं अभी देखता हूँ। उसके बाद जब मैं दोबारा फिर क्रॉस चेक किया, मैं खुद ऊपर 60 कमरे हैं जिसमें 27 कमरे खुले हुए थे, इन्होंने सारे कमरों में अकेले झाड़ू लगा दिया। क्या बात है, मतलब ऑर्डर होता है। नहीं, ऑर्डर नहीं, एक डिसिप्लिन है, जिसको मेंटेन करते हैं हमेशा। जो हमें विधि शंकाएं की तरफ से जो डिसिप्लिन है, जो हॉस्टल का मैनुअल है, सर क्या लगता है इस बार जो फ्रेशर्स एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू, क्या उनको इस बार आने को मिलेगा कैंपस? देखिए, हमारे पास जो है 60 कमरे ऊपर हैं, 60 कमरे नीचे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के जरिए हमने 60 बच्चों को ऊपर हमने एकोमोडेशन दे रखा है। नीचे 60 कमरे हैं डबल ऑक्यूपेशन के, अगर वो कोविड प्रोटोकॉल से सिंगल देंगे तो यूनिवर्सिटी जो भी डिसाइड करें। हमारे ऊपर एडमिन वार्डन है जेपी, मतलब फिर भी लोग बोलते हैं कि आने का कोई चांसेस इस बार नहीं लगता। जब फाइनल ईयर रह सकता है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्यों नहीं रह सकता? मतलब आप लोग तैयार हैं, तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। हमारे सारे कमरे जो हैं अभी सारे कमरों के लॉक खोले हैं और सबकी सफाई हुए हैं और सभी चीजें चेक हुई हैं, क्योंकि नीचे के कमरों में, क्योंकि बिल्डिंग 1950 का है तो दीमक उमक लगता है, तो वो सारे कमरे एक एक करके खोल के सब चीज है, रेनोवेट होती रहती है सारी चीजें, मेंटेनेंस है। और हमारी पूरी तैयारी है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तो कहता है कि आप अलॉट करिए, मतलब 71 साल हो गया इस हॉस्टल को लगभग, 1951 से ये 100 साल पूरा हो जाए फिर इसका एक अलग ही मान्यता हो जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके, और ये बहुत ही क्यूट है। हेलो कर दो। हेलो, मेरे कहने पे तो हेलो नहीं किया। नहीं, ऐसा क्यों? रेगुलर विजिट में मेरे साथ आते हैं धूप लेने के लिए। ऐसा इन्वायरमेंट सर मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा इसके बाद। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बनाने के ऊपर। चलिए, हमारे यहाँ बटन बटन और सारे जो एक्टिविटीज़ है, अपने पीछे हमारा बहुत बड़ा लॉन है, हमारे खेलने कूदने की सुविधा है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा लॉन है उसमें। सर छात्र बोल रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे
करिकुलम एक्टिविटी और पढ़ाई लिखाई वाला माहौल, लोग आए, कोई प्रोफेसर आ रहा है, कुछ नया नया कुछ चीजें हो रही हैं, बैठ करके लोग यहाँ पे लॉन में बैठ के कुछ डिस्कशन विस्कशन हो, वो एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के वजह से अभी कल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे पे, अच्छा, हमारे यहाँ फैकल्टी में जो प्रोग्राम हुए तो वो होते रहते हैं, अब वो गैदरिंग करना थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोग नहीं यहाँ वैसा कर सकते हैं, नहीं तो ये होता रहता है, ऐसा होते रहता है, इवेंट आते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए, ये रहा पूरा हॉस्टल। बाथरूम किधर है? आप चाचा हमको लेके चलिएगा, आइए चाचा। दादा हमारे साथ ये पूरा हॉस्टल दिखाने वाले हैं, हॉस्टल से आप अंदर जाएंगे, अभी मैंने आपको स्टोर रूम और ये सब सारी चीज़ें दिखाई, ये हॉस्टल के हम सेंटर में पहुंचेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसा दिख रहा है ये हॉस्टल। ये भगवान दास हॉस्टल है, फैकल्टी ऑफ लॉ का हॉस्टल है, एलएलबी वालों को दिया जाता है। अब कोई पूछे कि एलएलबी वालों को कौन सा हॉस्टल मिलता है, तो एलएलबी वालों को यही हॉस्टल मिलता है। ये चाचा हमारे साथ चलेंगे, चाचा बाथरूम, बाथरूम उधर है। आज हम इनके साथ पूरा हॉस्टल देखने वाले हैं, एक अच्छी गार्डनिंग यहाँ पे की गई है और नेचुरल, हर चीज़ें एकदम नेचुरल, नेचर से जुड़ी हुई है, जैसा कि बीएचयू के सारे हॉस्टल्स में है वैसे भी ये। चाचा ये कब का बना हुआ है? सामने लिखा होगा, आपने नहीं पढ़ा कभी? ये लॉबी है जिसमें रूम बने हुए हैं सारे, सिर्फ इसमें कमरे बने हुए हैं, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप अगर देखते हैं, मतलब उस नाम का हॉस्टल जो बीएचयू में अगर आप उसको देखते हैं, तो ये सेम उसी तरीके का बाथरूम है, झुक के जाना पड़ेगा वहाँ तक। ये तो पूरा कॉपी है। बाथरूम में घुसते ही एक दरवाज़ा है जो कि ये, अच्छा ये खेलने कूदने का मैदान है, क्या क्या गेम खेल सकते हैं यहाँ पे? छात्र क्या क्या खेल लेते हैं? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। ये हॉस्टल का पीछे है वो मेस है क्या? वो मेस है और ये पीछे से एक ही एंट्रेंस यहाँ से जाने के लिए है बस। अच्छा पूरा पीछे से बाउंड्री किया हुआ है, प्रोटेक्टेड है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठने की भी जगह दी गई है, आप बैठ करके अपने गेम का इंतज़ार करिए, और बाथरूम करने के लिए बहुत सही लोकेशन। तो साफ सफाई इसकी कैसे कराते हैं? अच्छा। कितने कितने दिनों पे होता है? अच्छा दूसरे तीसरे दिन हमेशा होता है, और साफ करने के लिए लोग यहाँ पे रखे होते हैं। ये फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है, जो मतलब दिव्यांग लोगों के लिए हमेशा बीएचयू में बाथरूम बनाया जाता है, और वो खड़े होकर के पकड़ के कर सकें, नहा सकें, इसलिए वो बनाया जाता है। और ये भी दिव्यांग के लिए ही है, ये कमोड भी दिव्यांग के लिए है, और ये पूरा सेक्शन दिव्यांग के लिए अलग से बनाया गया है, और बाथरूम काफ़ी साफ सुथरा है। और ये नॉर्मल इधर है, इसकी भी साफ सफाई है काफी। क्या लगता है चाचा, ये अभी इतना दीवाले पुरानी तो नहीं हुई है ना? दीवाले बहुत पुरानी हो गई हैं। कितना साल, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितना 70 साल 80 साल कितना पुराना हो गया ये हॉस्टल? जैसे 100 साल पुराना है बिरला, नहीं इतना नहीं है। ये नहाने के लिए है दोस्तों, नहाने के लिए। तो पूरा खुला खुला है, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला, कोई प्राइवेसी का कोई नहीं, कोई बाथरूम बंद करके नहीं नहा सकता, दरवाजा बंद करके नहा सकते हैं, लेकिन अगल बगल से चाहे 5 लोग तुरंत घुस जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए ये बाथरूम है, बाथरूम हर जगह जंगल ही जंगल, अगर जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है बीएचयू में वहाँ जंगल हो जाता है तुरंत, पेड़ पौधे तुरंत निकल आते हैं, अच्छी बात है। तो चाचा आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहे हैं।
चार ही साल से काम करें, हमको लगा कि बहुत समय हो गया होगा उम्र के हिसाब से। हाँ सर, और दूसरी जगह से ना। अच्छा, ये लॉबी है और हम वो एंट्रेंस है, वहाँ पे एंट्रेंस है, वहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर। ये वाटर कूलर और पीने की सुविधाएं सारी लगी हुई हैं। लॉबी में कोई बैठ के पढ़ रहा है, वैसे आप भी पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है पढ़ाई लिखाई का। ये सब रूम संख्या है और वाईफाई 24 घंटे रहता है ना चाचा? 24 घंटे वाईफाई रहता है, पानी। और आप स्टूडेंट हैं यहाँ के? स्टूडेंट नहीं है। ये मेस है हमारा, कैंटीन। ये है कैंटीन डॉक्टर भगवान दास छात्रावास का, जो LLB का है। काफ़ी बड़ा कैंटीन है। मेस था लेकिन नीचे का खुला नहीं है। अच्छा, इसलिए कैंटीन इसमें चलता है, मेस ऊपर चलता है। कैंटीन इस मेस इसमें चलता है। तो कौन है कैंटीन का महाराज? कौन है आप महाराज हैं? क्या नाम है आपका? सूरज यादव। सूरज यादव, क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं आप लोग? हम लोग सब कुछ बनाते हैं, जो लड़के मांगते हैं उनको दिए। वो जो लिस्ट में लगा हुआ है सारा कुछ दे देते हैं? हाँ, जो मांग लेंगे लोग मिल जाएगा। अच्छा, दूध वूध मिल जाता है सुबह? हाँ, दूध अगर आपको पीना चाहते हैं तो हल्दी लगा के दूध भी ले सकते हैं, बॉर्नविटा डाल के दूध ले सकते हैं। अच्छा, कैंटीन है तो सिर्फ नाश्ता मिलता है? हाँ, कैंटीन में आपके जरूरत के सामान मिलेंगे। सबसे महंगा आपके पास 30 रुपये का दिख रहा है ना? सबसे महंगा आइटम आपका 30 रुपये का है। हाँ, मतलब को आराम पड़े वैसा हम लोग रेट रखते हैं। हाँ, मतलब आराम से हम लोग को भी ले लें और दो पैसा हमको भी बच जाए, दो पैसा उनको भी कम लगे। मतलब ये वेज रोल आप 20 रुपये का ले रहे हैं और लंका पे वेज रोल ये 50 रुपये में देते हैं लोग। बेचू में इसी तरह भैया चलता है। अच्छी बात है, इतना चीज छात्रों के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब सभी लोग बड़े घर से नहीं आते ना, थोड़ा सा कैंटीन आइए, आपको घूम लेते हैं कितना क्या क्या चीज़ें हैं। ये कैंटीन बाहर खाने पीने के लिए ये काम करते हैं यहाँ पे। मैंने सोचा छात्र हैं, छात्र बनो यार यहाँ पे। किस क्लास में हो? पढ़ते नहीं है, काम करते हैं। पढ़ाई किया जाता है यार। ये कैंटीन है एकदम नेचुरल। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, बाथरूम से दिखाया कि ये फील्ड है, यहाँ पे लोग बैडमिंटन और वॉलीबॉल जो भी खेल सके खेल लेते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से ऐसे दिखा देते हैं आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें सर्व की जाती हैं छात्रों को। अच्छा, ट्रॉपिकाना का जूस वूस भी रखा हुआ है जी। फ्रिज भी रखते हैं फिर आप लोग? ये फ्रिज है। फ्रिज काम करता है? ये फ्रिज अभी निकाल दिया जाए, ठंडी का समय चल रहा है इसलिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया आपने? सूरज। मिलके अच्छा लगा आपसे चाचा, चला जाए। हम अब मेस देखने वाले हैं। ये कैंटीन था पूरा, अब मेस है। ये हम आ गए मेस में। वाह, क्या चाचा मूली समय सस्ता चल रहा है क्या? ठंडी में मूली और गोभी तो सस्ता चलता है ना। मिस महाराज कौन है? मिस महाराज हैं आप? क्या नाम है आपका? खुनमुन प्रसाद। क्या जी? खुनमुन प्रसाद। खुनमुन प्रसाद कहाँ से हैं हम? बनारस से। बनारस से? कहाँ बनारस से? पचकोसी बाईपास लठिया औढ़े, विधायक जी के सामने। ऐढ़े? औढ़े। औढ़े एक ऐढ़े चांदवारी के पास है? नहीं, इधर वाला है, पचकोसी रोड जो गया है। हाँ हाँ, शिवपुर वाला जो शिवपुर वहाँ मत जाइए, हाईवे पर जाएंगे DPS के आगे। अच्छा, इधर वाला पचकोसी जी। चलिए, मैं भी बनारस से ही हूँ। तो आप ये मेस महाराज हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पर? वो तो मेन्यू होगा आपका। मीनू तो फिलहाल अभी नहीं बना है, मेंबर कम होने की वजह से। अब जैसे कि हालात जैसे सब्जी का मार्केट चलता है। हाँ, उस तरह के हिसाब से हमारे सब्जियाँ रोज रोज आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा किचन दिखाएंगे। ये क्या इस्तेमाल में आता है ये लगा हुआ है जो? ये तो गैस है, गैस का कनेक्शन अभी लगा रहे, जो बाहर का गैस है वो। अच्छा, गैस, लेकिन गैस सुनते हैं पाइप के थ्रू आ जाता है आराम से। हाँ, अच्छा, ये अच्छा, ये शुरुआत हुआ नहीं है, ये शुरुआत। ये गेल BHU लगा रही है ना जी? गेल BHU काम कर रही है इस पे। ये आपका किचन है? ये किचन हमारा है, अभी अभी जस्ट मिस्त्री खाना बना के तो सफाई का ही होगा सर। अच्छा, खाना वाना बन गया आपका जी? अभी आते हैं, कुछ खाना देखते हैं क्या क्या बनाए आज, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है पत्ता गोभी मटर की सब्जी है, ये अरहर की दाल है,
ये रहर की दाल है जी है, और ये फूल गोभी और मटर वटर सब हल्का डाला गया है, ये सब्जी चटनी है, चटनी और क्या ये राइस है। अच्छा ये चावल है जी, बाकी मतलब, चटनी प्याज सलाद मतलब दो सब्जी दाल चावल ये है और ये सलाद है, इसको आप सर्व करते हैं वहाँ टेबल पे रख देते हैं टेबल पर। अच्छा रख देते हैं, चपाती बना के गरम गरम। आइए इधर आइए, आपका मैं से पहले आप चलिए। तो BHU तो कोई फंड नहीं देता मैं सवालों को काम करने के लिए, इंडिपेंडेंट चलना होता है अपने से। 10-15 साल पहले हमको मिलता था, राजा राम महाराज में रह देते तो उस समय ये सब्सिडी मिलता था। BHU देता था 630 रुपये। 630 रुपये एक छात्र पे? नहीं कर्मचारी कुक और हेल्पर को। अच्छा ये 630 रुपये एक दिन का कि एक महीने का? एक महीने का जी। इतना कम था फिर भी हटा दिए? हटा दिया सर, हम लोग ये कि बच्चे पूरे भी नहीं हैं। अब ये 60 लड़कों का इलाज है, ऑनलाइन से क्लास चल रहा है जिसमें 25 लड़के बच्चे 30 खाते हैं बस। अच्छा तो कितने रुपए का कर दिया गया है प्लेट इस समय? इस समय 45 रुपीस प्लेट है। 45 रुपीस प्लेट है। कुछ लोग बोल बाहरी आ जाते हैं उसको, उसके लिए 50 है सर। कुछ छात्र बोल रहे थे कि खाने का रेट बढ़ा दिया गया, तो वही 5 रुपया बढ़ाए थे लॉकडाउन के बाद। तो खाने का रेट बढ़ाना जरूरी भी था कि नहीं था? अरे बहुत जरूरी था सर, तेल आपका 100 के ऊपर पार हो गया था। बताइए सर, 1000 रुपये के ऊपर इतने में बताइए, पेट भर भर ठा के आपको खिला रहे हैं सर, वो 50 रुपये खाना है या कि 80 के खाना है ये आप अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल समय आइए आप खा सकते। 45 रुपये में आप लोग मन भर रोटी देते हैं, जितना खाना है खाओ, पूड़ी हो या पालक पूड़ी हो या जो भी होता है दम फ्री रहे खाकर अपना पेट भर। हाँ आप एक खाइए चाहे 50 रोटी खाइए खिलाएंगे आपको 50 रुपये पेट करके। चलिए बहुत मंथली रहता है। अच्छा जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, एक बार फिर बताइए। खुनमुन प्रसाद जी सर। बनारस से रहने वाले हैं ये, क्या लगता है इस बार BJP? हाँ सर BJP ही आएंगे उनको तो लगता है। देखिए मोदी सर तो रहेंगे उनके काम, अब देखिए अखिलेश में और ये योगीनाथ में बस लड़ाई है। हाँ कई लोग बोल रहे हैं कि मायावती नहीं सर। देखिए तो पिछली बार सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे तो था ये थे आपका अखिलेश थे, लेकिन सेकंड नंबर पे मायावती थी पिछली बार। आपको पता है सबसे ज्यादा वोट BJP के बाद पाई थी, लेकिन उन लोग जल्दी पास नहीं होते सर, आते तो मले गरीबों का। हाँ उन लोग वो है कि प्रचार नहीं करते जी, प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार तो आदमी लेकिन योगी जी फिर आएंगे। योगी जी सही है, बड़े बड़े काम किए हैं गरीबों काम किए हैं योगी जी। ये हॉस्टल के ऊपर हम मेस से निकले हैं, ये मेस था हमारा, ये खुनमुन प्रसाद जी हैं जिनका नाम हमें याद हो गया है अब। अच्छा काफ़ी शानदार दिखता है यहाँ से हॉस्टल। अच्छा वार्डन है JP राय सर है, एडमिन वार्डन है। अच्छा JP राय सर एडमिन वार्डन है, फैकल्टी ऑफ लॉ के हैं। लॉ के हैं वो है प्रदीप, सेकंड वार्डन जो है। अच्छा वो प्रदीप सर हैं जो खड़े हैं वहाँ पे बच्चे के साथ जी। मतलब बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का, लोग आ रहे हैं घूम टहल रहे हैं सर, एकदम ओके है इधर का। अच्छा चलिए दादा एक बार दो दो धन्यवाद आपका, रूम देख लेते हैं एक बार आइए, वो उनसे बोला हूँ 75 नंबर संख्या। अरे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपको देखकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आदित्य हुआ। आदित्य है, आपका नाम? अमित कुमार। आपका सर? राजकुमार। और किशन सिंह। तो आप लोग यहीं हॉस्टल रहे, यहीं पे रहते हैं, तो क्या व्यवस्था है हॉस्टल का भैया? हॉस्टल की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये तो जज फैक्ट्री का हॉस्टल है, काफी लोग जज बने होंगे, कितने लोग अभी तक सुन चुके हैं आपकी इस हॉस्टल में रहे और जज बन गए? लगभग प्रत्येक ईयर में यहाँ से 10-20 की संख्या में लोग जज बनते ही हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई रूम नहीं है जिसमें जज नहीं रहे, नहीं रहे हो, जज नहीं बने। अच्छा और आज भी ये परंपरा चली आई, लोग आते हैं यहाँ, हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि हाँ आप लोग। अच्छा और ये जो रूम है ये बनारस टाकी जो लिखने वाले भैया हैं। अच्छा ये वेद व्यास सत्य व्यास सॉरी भैया इसी रूम में रहते हैं। हाँ सत्य व्यास भैया का ये बुक है, बुक उन्होंने काफी ये पूरा बनारस पे लिखा है, लॉ फैकल्टी त्रिवेणी और काफी सारे, पूरा भगवान दास ही तो लिखा है उसमें।
और कुछ बंगाली स्टोरी भी है उसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 78। अच्छा, और क्या क्या खासियत है यहाँ पे हॉस्टल की? यहाँ की खासियत आप घूमे हैं तो आपको दिख गई होगी, बहुत प्यारा हॉस्टल है ये। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे, माहौल है, एक पढ़ने का माहौल बढ़िया है, शांति तो दिख रहा है। प्रोफेसर अपने बच्चे को लेकर के घूम रहे हैं तो वार्डन सर है, काफ़ी अच्छा माहौल है फिर यहाँ पे। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है आप लोग? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बढ़िया से खिला रहे हैं इन लोग जो खा रहे हैं। अच्छा, चाचा लोग अच्छे से काम करते हैं? सुबह सुबह सबसे पहले सुबह झाड़ू लग जाती है सारे रूम में, चाचा लोग। अच्छा, रूम में आप ही लोग झाड़ू लगाते हैं? आप लोग नहीं लगाते हैं? हम लोग साफ करते हैं, लेकिन प्रत्येक सुबह जो है एक रूल यहाँ बना हुआ है हमारे वार्डन सर के द्वारा कि हम प्रतिदिन सुबह में, और सुबह में इन लोगों का ये भी सेंस होता है कि बच्चे ज्यादा देर तक सोए नहीं जबकि पढ़े भी, ये उनकी थिंकिंग होती है। अच्छा, झाड़ू के बहाने वो अल्टीमेट एम वहाँ है कि हाँ ये लोग जगे। लाइब्रेरी है हॉस्टल में? हॉस्टल में लाइब्रेरी है, हॉस्टल में मेन लाइब्रेरी आप कॉमन रूम है जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इस बार सिंगल अलॉटमेंट हुआ है तो उसकी उसको एक्सेस करने की जरूरत। अच्छा, इस बार कोविड में सबको सिंगल ही रखा गया है। अच्छा, तो इस हॉस्टल पीछे मैंने देखा ग्राउंड बना हुआ है, बहुत अच्छा, वेल एस्टैब्लिश्ड, साफ सुथरा ग्राउंड है, क्रिकेट और बैडमिंटन वगैरह वॉलीबॉल जो भी बच्चे। अपना खाना वाना बना सकते हैं क्या हम रूम में? नहीं नहीं नहीं, ये अलाउड नहीं है। और बाइक वाइक रखना अलाउड है? क्योंकि अभी सर्वपल्ली राधा कृष्णन में चले जाइए या फिर रोजा में चले जाइए, बोलते हैं बाइक रखना अलाउड नहीं है। यहाँ बाइक अलाउड है, वहाँ पर सिक्योरिटी। अच्छा, अंदर रखते हैं लोग। अच्छा, और रैगिंग वैगिंग का कुछ सीन? रैगिंग बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भगवान दास का मतलब भगवान दास एकदम शांत और छुपा छुपा हॉस्टल रहता है। छुपा छुपा है लेकिन इसका इतिहास। हाँ, इतिहास वही तो, इतिहास पन्ने छपे हुए हैं इतने। आप बनारस टॉकीज का नाम लिए, वो यहीं रहने वाला लिखा, और हमने एलुमिनाई टॉक किया जो राहुल प्रकाश है उनका, हाँ अभी उनका एलुमिनाई टॉक हमने कर दिया था एक डेढ़ साल पहले ही, हाँ हमें किए थे। बस ये था कि मैं उस समय कैमरे के सामने नहीं आता था। कौन चैनल है? द नॉलेज स्कूप पे किया था एलुमिनाई टॉक, वो देखने के लिए आप BHU एलुमिनाई टॉक सर्च करेंगे सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद राहुल प्रकाश भैया को मैं देखा था, काफी लोगों पे काम किया है। गृह जिले में है अभी, होम डिस्ट्रिक्ट मेरे वो होस्टेड है, बात होती रहती है उनसे हल्का फुल्का, अब सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। अच्छा, रिलीजियस कुछ ऐसा कुछ नहीं ना माहौल यहाँ पे? पॉलिटिकल माहौल यहाँ बस एजुकेशनल माहौल है, सिर्फ लीगल, इलीगल लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आर्ट्स फैकल्टी में तो कोई भी रहता है नहीं, यहाँ की हिस्ट्री इलीगल में भी रही है वही, ऐसा कुछ है नहीं बेस्ट इन इंडिया। मतलब अगर हम किसी को सजेस्ट करें इंडिया में कि सबसे बेस्ट कौन है तो लॉ स्कूल सर्च BHU हमारे लिए। अगर पर्सनल लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं, अगर हम एक डाइवर्स लेवल पे सोचें हाँ, तो किसको लेंगे फर्स्ट लेवल पे? सबकी अपनी अपनी अलग अलग BHU प्रायोरिटी, वो रीजन, कई सारी सिचुएशन होते हैं, मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हाँ क्या। अच्छा, एक कमरा दिखाएंगे आप अपना? ये है 75 रूम नंबर, और कोविड में सिर्फ एक लोगों को रखा गया है, इसलिए दो बेड पड़े हैं लेकिन एक पे सिर्फ बिस्तर बिछा है, जिसका मतलब समझ लीजिए केवल एक लोगों को रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जिनका भी ये रूम है उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम सारी चीज़ें रखी हुई है। एक पूजा पाठ का माहौल है, एक पढ़ाई का माहौल है, इधर सोने का है, सारी तरफ किताबें रखी हुई हैं और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें आपत्तिजनक नहीं रखी हुई हैं जो आपको लगे कि नहीं हाँ नहीं कर सकते। देखते देखते बहुत भीड़ जुट चुकी है बाहर, और ये जो सीलिंग है वो ऐसे है, ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व है, एक पंखा लगा होता है, एक ये लगा होता है, और ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की लगी होती है, खिड़की के पीछे जाली लगा होता है ताकि मच्छर अंदर ना आ पाए। और अब हम कमरे के बाहर निकलेंगे और देखेंगे।
कमरे से बाहर निकलते ही हम देखेंगे कि सामने कुछ ऐसा दिखता है, ये हॉस्टल, कोई वहाँ पे बैठ करके द हिंदू पढ़ रहे हैं। वाओ। अभी वो एंट्रेंस गेट है हॉस्टल का, बीएचयू के मैक्सिमम हॉस्टल के जो एंट्रेंस है उसको राजशाही तरीके से बनाया गया है। और अच्छा, ये सत्यवादी की स्टोरी में एक बम बनाना जो संकट मोचन पे फटा था ना, उन्हीं के रूम में रह गया था, उन्हीं के रूम से बरामद। अच्छा, ये जो पीछे वाले गेट पे ना, जो पीछे वाला गेट बंद हो गया? नहीं नहीं, गेट पे नहीं, संकट मोचन दुर्गा को। अच्छा, संकट मोचन। और यहाँ की एक स्टोरी है बाबा विश्वनाथ के पीछे वाले गेट नहीं, की वो IIT में मार हो गई थी जब से पंगा हुआ था ना, हम लोग बैलेंस करके रखते हैं लीगल और इलीगलिटी। अच्छा, तो ये सब करिकुलम एक्टिविटी अच्छी लगती है? इसी होना चाहिए। मैंने देखा खिलाड़ियों को भी एक नशा होता है खेलने का, उनको खेलना है। और वैसे भी क्रिकेट आजकल तो अफीम की तरह हो गया है ना, ये भी नशा ही करते हैं, खेल का नशा करते हैं ये, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल करनी चाहिए जो भी। अरे थोड़ा नजदीक, ये अगर गुलटू वालों से पंगा लेने में ये सबसे आगे रहते हैं, रात को 1-2 बजे ये यहाँ से गालियाँ देते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल चरम पे होते हैं। और मतलब मैंने जब गुलटू हॉस्टल कवर किया तो उसमें भी लड़कों ने बोला कि ऊपर से गालियां आती हैं। पुरखों का सम्मान चल रहा है यहाँ पे गाली द्वारा। बताए हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई कुछ मतलब नहीं है, तो निम्न प्रकार की गालियां देनी पड़ती है छत पे खड़े होकर। उच्च प्रकार की, निम्न प्रकार की, उच्च प्रकार की। अब उधर से जैसे और हाई आई तो हम लोगों को और हाई देनी पड़ेगी। अच्छा, कोर्स बचते हैं, या तो सुनिए या तो दीजिए। पंडित जी बता रहे कि माताओं बहनों का सम्मान करके गाली देनी है, ऐसा नहीं है, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सम्मान जरूरी है। ये मतलब उच्च कोटि का बहुत बढ़िया किस्सा है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी लोग लॉ कर, LLB लॉ का ही हॉस्टल है, सिर्फ LLB वालों को रखा जाता है, BLLB को चाणक्य सिचुएशन में फाइनल ईयर वाले ही, फाइनल ईयर वालों को। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो नए शस्त्र में जो एडमिशन हो रहा है 2021 में, क्या लगता है कि ये जो फ्रेशर्स हैं वो बुलाए जाएंगे? ये डिपेंड करता है ओमिक्रॉन पे, अगर ओमिक्रॉन आता है। नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग कमेंट करते रहते हैं क्या हमें बुलाया जाएगा, क्या हमें बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा, क्या कैसे सकते हैं। लास्ट 1-1.5 साल से तो नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि बुलाया जाएगा। और क्या लगता है, ये UP इलेक्शन होना चाहिए? ओमिक्रॉन का आप लोग बात किए तो दिमाग में आ गया, जैसा वही हम लोग सोच रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन है तो ओमिक्रॉन यहाँ नहीं आना चाहिए, अक्सर नहीं आएगा, पाकिस्तान में ढकेल दिया जाएगा। अच्छा, अभी हाई कोर्ट में कुछ हुआ था ना, बोला गया पाकिस्तान से प्रदूषण यूपी में आता है। यूपी सरकार ने बोला था जज से कि पाकिस्तान का जो प्रदूषण है वो यूपी तक आ जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काफी सारी चीजें मालूम चली यहाँ पे, और अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे घूम ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम लॉबी से घूमते घूमते नीचे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें हॉस्टल, हम अभी वहाँ पे थे। ये कॉमन हॉल खुला है क्या?
ये कॉमन हॉल है हॉस्टल का, काफ़ी बड़ा वीडियो है लेकिन आप लोग देखिएगा अब इसमें क्या कट किया जा सकता है। कॉमन हॉल का ये ताला खोल रहे हैं और उसके सामने का नज़ारा आप देखिए। ये है कॉमन हॉल। तो चाचा कॉमन हॉल, वाह, पहले इसके बारे में बताइए हमको, ये कौन है, भगवान दास हैं क्या? अरे वाह क्या बात है, इनको प्रणाम। काफ़ी शानदार ये जो आकृति बनी हुई है वो बेमिसाल है और इनके ऊपर माला फूल चढ़ाना चाहिए था कुछ। चलिए ये टीवी लगी हुई है, टीवी किस लिए लगाते हैं? क्रिकेट लोग देख सकें, ये सब कर सकें, इसलिए टीवी लगाई जाती है। और ये बैठने की जगह है, क्या ये टीवी चलता है? पास टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप हैं तो ज़रूरत नहीं होती है टीवी चलाने। हाँ उतना तो अब ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है, व्यवस्था है, अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगा। हमें तो लगता है कोई घर में भी जल्दी अब टीवी नहीं देखता, जल्दी नहीं देखते, वही बात है। और क्या क्या यूज़ करते हैं आप इस कॉमन रूम का? वैसे कॉमन रूम यूज़ करने का अभी तक तो मौका मिला नहीं है हम लोग को, अगर क्लासेस चल रही तो क्लासेस में बिजी, उसके बाद आए तो काम में बिजी, तो सब बंद है, सब कुछ बंद है। तो आपको ये, आप लोग का ये लास्ट ईयर होगा? ये लास्ट ईयर फाइनल, 40 से 50 स्टूडेंट्स को मिला है हॉस्टल, तो वही है फाइनल ईयर के। अच्छा, एलएलबी को सिर्फ मिलता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ केवल एलएलबी वाले। और थर्ड ईयर में? और कितनी सीटें हैं टोटल इस हॉस्टल में? इस हॉस्टल में टोटल होटल इक्विपमेंसी मैक्सिमम 250 मैक्सिमम, लेकिन अभी सिंगल इक्विपमेंसी है तो 120 है। और 120 रूम है, उसमें से आपको पर रूम पे दो स्टूडेंट बैठ सकते हैं। आइए भैया, आप बाहर आइए। तो ये बताइएगा कि अंदर बहुत गूंज रहा था आवाज, तो टोटल कितने रूम हैं यहाँ? 120 रूम्स हैं। और नॉर्मली जैसे पेंडेमिक से पहले क्या होता था कि एक रूम में दो ऑक्यूपेंसी होती थी, दो स्टूडेंट्स रहते थे। अच्छा, तो 120 रूम्स हैं तो दो के अनुसार हो गया आपका 240, मतलब 240 विद्यार्थी यहाँ 240 एलएलबी के रह रहे थे। हाँ, और एलएलबी के लिए एक और हॉस्टल है जो चाणक्या है, फैकल्टी से बिल्कुल पास में ही, उसमें फर्स्ट ईयर के लगभग 40 से 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद अगर किसी को हॉस्टल मिलना होता है फर्स्ट ईयर के तो वो। अच्छा, जो एलएलबी में एडमिशन लिया फ्रेशर्स है तो कितने लोगों को हॉस्टल दे दिया जाता है? लगभग 100 लोगों को तो दे दिया जाता है। कितनी सीट है पूरी एलएलबी में? सीट्स लगभग 250, इस बार 250 थी इससे पहले वाले। एलएलबी प्रोग्राम में 250 सीट है? 250 सीट है। और बीएलएलबी में? बीएलएलबी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, आईडिया नहीं है। अच्छा, इसका एक साल का कितना फीस है एलएलबी का? एलएलबी का जैसे सेमेस्टर वाइज डिपेंड जमा करते हैं हम लोग, तो पहले सेमेस्टर का कितना? किसी में 1500 रुपए, किसी में 1700, किसी में जैसे फोर्थ सेमेस्टर का ऑड इवन चलता है हमारा, ऑड इवन चलता है 3100 नहीं होता है, 3100 तो मास्टर्स का कम होता है, हम लोग का ग्रेजुएशन का कम, तो 1500-1700 कुछ ऐसे लगता है। फोर्थ का तो शायद 350 ही लगा था। 100 लोगों को हॉस्टल मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, ये परसेंटेज, और एशिया का सबसे बड़ा ये आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल कैंपस है, 40,000 लोग परमानेंट अंदर रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं काफी कुछ चीजें, हमारा हॉस्टल भी देख सकते हैं, प्रोफेसर जेपी राय वार्डन है यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ के कर्मचारी भी बिल्कुल समय से रहते हैं और सारा काम अपने से करते हैं। हाँ, ये तो देखिए मैं अचानक से आया हूँ और देख रहा हूँ कि साफ सफाई के मामले में ये मुझे अभी तक बेस्ट लगा है हॉस्टल। अच्छा, जहाँ तक मैं गया हूँ, जिन भी हॉस्टल का रैंकिंग होता है तो इसमें थर्ड लेवल पे, सेकंड हमेशा से आता रहा है भगवान। फर्स्ट को तो दिया जाता है सर्वपल्ली राधा कृष्ण को, सर्वपल्ली राधा कृष्ण नहीं, शायद एलबीएस को दिया जाता है ना? एलबीएस नहीं, नहीं फर्स्ट आता है ब्रोचा। एलबीएस में कुछ नहीं है देने लायक, फर्स्ट ब्रोचा को, एलबीएस में ये ग्राउंड ही नहीं है, पता है आपको? फर्स्ट नहीं तो शायद राधा कृष्णन को भी नहीं, बगल में देखिए बीजीटी और राधा कृष्णन ये चलता रहता है हमेशा, और उन लोगों ने ऐसा बोला है, हमें दिखाया सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिलता है, लोग दिखा रहे थे हमको उसके ब्लॉग में, ये सब सारे काम चल रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आइए इधर चलते, इधर से चले। और कुछ चीज़ें जो हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए यहाँ पे, कि कुछ ऐसा चीज़ जो स्टूडेंट के
करिकुलम एक्टिविटी में थोड़ा सा करिकुलम एक्टिविटी में लाइब्रेरी नहीं है हॉस्टल के अंदर हॉस्टल में भी लाइब्रेरी की जरूरत होनी होती है। अच्छा एक थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा लाना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स एक जगह बैठ के ग्रुप स्टडी वगैरह कर सकें है ना। तो उसके लिए तो स्टडी रूम तो दिया गया है उसका मतलब एक प्रॉपर कुछ जैसे कुछ टीचर्स भी कभी आ गए वीकली आ गए पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेशन कुछ इस तरह से माहौल कुछ कॉम्पिटिटिव माहौल। कितने वार्डन है टोटल यहाँ पे? लगभग 3 है ना। 3 वार्डन है फिर भी वो इंटरेक्टिव नहीं है इतना? इंटरेक्टिव है अन्य कामों में है लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मतलब जितना है उतना तो बहुत सारा उतना तो पर्याप्त है। हाँ उनके जिम्मे बहुत काम होता है लॉ है तो लॉ सब कुछ प्रोफेसर हमारे वार्डन होते हैं इसलिए ऐसा नहीं कि वार्डन को एक। लेकिन अच्छा एक बार बताइए हम लगभग 30-35 हॉस्टल में हम लोग घूम चुके हैं वार्डन का हमेशा दिक्कत होता है कि वार्डन इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके पास एक बहाना होता है कि काम है और काम वाकई में है उसके पास। तो क्या लगता है कि BHU एडमिनिस्ट्रेशन को क्या एक नया एक वैकेंसी निकालनी चाहिए सिर्फ वार्डन वो काम करे वार्डन रहे? नहीं मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे आपका इंटरेक्शन पहले से भी बॉन्डिंग अच्छी कोई, होती है। हाँ, कोई अलग से मैनेजमेंट के लिए केवल आएगा तो वो माहौल नहीं बन पाएगा तानाशाही फिर थोड़ी इधर उधर की होने लगी। ये हमारे कुक है हमारे मेस के क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद यही हम लोग को खाना बना के खिलाते हैं। कितने समय से काम कर रहे हैं ये? हम हैं मान लीजिए जब 14 रुपया डाइट था हाँ तब से। तो कितने साल के थे उस समय आप? उस समय हम 13 साल के थे। 13 साल के थे आप? 13 साल से ही खाना बनाना चालू किया। अरे वाह लेकिन तुमको पढ़ना चाहिए हम तो बोलेंगे यार अभी उनकी तो उम्र नहीं है पढ़ने वाली। हमारी 5 तक हम पढ़े और हमारे पिताजी डेट कर रहे हैं ना पूरी जिम्मेदारी अपने। अच्छा पूरी जिम्मेदारी। अरे बहुत होता है। चलिए आगे बढ़िए आप लोग हमेशा आप लोगों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने की दुआ आप लोग आगे बढ़ते रहें। आइए योगी तक पहुंचा दीजिए ये बात। योगी तक क्या पहुंचा दें? मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं देखिए योगी जी इनसे आप जरूर मिलिए ये यहाँ पे काम करते हैं कुक हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आइए जो देश की सेवा करते हैं उनकी सेवा पहले करते हैं वो भी न्यायपालिका में जो सेवा कर रहे हैं बताइए। अच्छा लेकिन एक एक चीज मैं आपसे पूछूंगा गोगोई का भी आपने कुछ केस देखा? जी पहले जो सुना था कुछ सेक्सुअली हैरेसमेंट को लेकर। नहीं नहीं गोगोई जो चीफ जस्टिस है जस्टिस रंजन गोगोई ठीक है फॉर्मर चीफ जस्टिस है अभी वो किसी चीजों पे फैसला सुनाए थे जो कि था बीजेपी से मिला जुला वो सिस्टम था और अभी वो तुरंत साइन किए हैं सांसद बनाए गए हैं। क्या लगता है आपको सांसद राज्यसभा में राज्यसभा नॉमिनेट किया गया है जो भी वो एक पॉलिटिकल इशू है और वो जुडिशरी और पॉलिटिकल इशू पे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते और वैसे भी आर्टिकल 50 है यहाँ पे सेपरेशन जो कहता है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव वगैरह का सेपरेशन के बारे में बात करता है। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम लोग तो लॉ पे बिलीव करते हैं बाकी क्या रणनीति या लोग बताते हैं क्या पॉलिटिकल क्या करते हैं क्या किसको फायदा हो रहा है चीजें अंदर की बात है। चलिए धन्यवाद। ये हम नीचे आएंगे हॉस्टल से ऊपर से नीचे और पूरा हॉस्टल मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था दोस्तों पूरा हॉस्टल। पूरा हॉस्टल में मदद किए दिखाने में चाचा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज़िंदगी में आपको नहीं भूलूंगा। और कुछ मदद इन्होंने किया शुरुआत इनकी थी और ये सभी लोग यहाँ पे काम करते हैं आप लोग एक बार देख लीजिए और हमेशा याद करिए। अगर इनसे जुड़ी कुछ यादें हों बहुत समय से इन लोग काम कर रहे हैं तो कुछ यादें हों इनसे जुड़ी तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस तरीके से इनको जानते हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।